भाई पूरे हॉस्पिटल में ढूंढ दिया लेकिन बाकी सब कुछ पता नहीं चला, उसका फोन भी नहीं लगा, पता नहीं कहाँ चली गई वो। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ गई होगी, किसी को कुछ बताया भी नहीं। पता नहीं, पहले मुझे लगा कि शायद मंदिर या कैंटीन में होगी, वहां भी नहीं है। कहीं फालतू खुद पैसे का इंतजाम करके इतने निकल गई। कहाँ गायब हो गई डॉक्टर? डॉक्टर I'm really sorry, लेकिन मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया था, वो कुछ गुंडों ने मुझ पर हमला करके मुझसे सारे पैसे छीन लिए। लेकिन डॉक्टर आप सर, मेरे बाबू दादी को बचा लीजिए सर। राइस क्रिस्टर मित्र, मैं आप सबको यही बताने आया था कि हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोगों की कोशिश आप लोग आराम से बैठिए, ऑपरेशन की जो भी अपडेट होंगी मैं आप सबको देता रहूंगा। Thank God, Mom. Now God, that you got people inside. एक बार सब ठीक हो जाए ना, ये जिस इंसान ने ये डिसीजन लिया ना, मैं फर्स्ट वीक खुद जाकर उसको थैंक यू बोलूं। हाँ बच्चा बिल्कुल। फालतू? फालतू? Wait. आकाश, yeah. मेरे हाथ में था वो बैग, लेकिन कुछ कुछ कुंडों ने मुझ पर हमला किया और मुझसे सारे पैसे छीन लिए। डॉक्टर्स ऑपरेशन करने के लिए मान गए हैं पालू, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने पैसे पालू वापस कर दिया। हाँ पालतू, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई, जब हम दोनों डॉक्टर से बात करने गए थे तब तो वो पैसे को नहीं माने थे। समझ में आ गई होगी, एक साथ दो लोगों की जान खतरे में डालना उनमें सही ना लगा होगा शायद। जो कुछ भी हुआ हो एक तरह से हमें खुश होना चाहिए कि सब कुछ सही हुआ है। अब क्या हुआ? साथ में आता चीनी से बताया था तुम्हें एक आदमी कॉल किया था, तो तुमसे कह रहा था कि अगर तुम किसी और के नाम पे टिकट ली होगी तो तुम्हें बहुत सारे पैसे। हाँ तो स्मार्ट साहब फिर भी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हो, जो तैने एक बार मना कर दिया है तो फिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? तारी को हमारे पर विश्वास ना है ना, तो तय खुद का सबसे अगर पूछ लो, मैं तो उनके सामने घूम रही थी ना, अगर मैंने ऐसा कुछ किया होगा तो बता देते। मार साहब मेरा विश्वास करो, मैं बस बाहर ताजी हवा खाने गई थी और कुछ नहीं। क्योंकि अगर वो मैं सब पहले नहीं पा लो Enough
पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया यार, मेरा दिमाग काम कर रहा है। क्या मुझे खुश होना चाहिए कि फाइनली ऑपरेशन हो रहा है। दोनों ऑपरेशन सक्सेसफुल है, मतलब दोनों ही कमरे से बात। थैंक गॉड। और भैया तो देखा, मैंने कहा था सब ठीक हो जाएगा। माता रानी ने हमारी सुन ली। माता रानी ने भी और इस हॉस्पिटल के एमडी सर ने बातू हमें उन्हें अभी चक्कर था नहीं कहना था। After all, आपके सपोर्ट के बिना ये सब कैसे पॉसिबल होगा? अभी अभी तो बाद में कर लेंगे ना, अभी इतनी अच्छी खुशी का माहौल है, हमें सबके साथ शामिल होना चाहिए। हाँ, लेकिन उनको थैंक यू कहना भी तो जरूरी है। तुम चलो बेटे, हमें अभी चलना चाहिए।